मैं शादीशुदा हूँ और मैंने ये बात आप सबसे छुपाकर भी रखी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तमरीन और आज इस वीडियो में मैं देने वाली हूं आपके सारे सवालों के जवाब। और जैसे कि आपको पता है कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन अभी मैं ठीक हो रही हूं। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए ये वाली वीडियो तो जरूर बना देती हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों से पूछ लिया था कि आपके क्या क्या सवाल है और आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे। तो चलो आज मैं आपको उन सारे सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन उन सबसे पहले आप लोग जल्दी इस वीडियो को कर दो लाइक और चलो हम देखते हैं हमारा पहला सवाल कौन सा है। फ्लावर गर्ल का सवाल है, माय क्वेश्चन इज हाउ डिड यू थिंक अबाउट यू विल ओपन अ चैनल ऑन यूट्यूब। तो हाय फ्लावर गर्ल, पहले तो मैं बता दूं आपको, मैंने यूट्यूब चैनल अपना ऐसे सोचा कि आपको पता ही होगा मेरी यूट्यूब की स्टोरी, जब मेरे भाई का चैनल था तो मैंने सोचा था कि मैं भी बनाऊं, मुझे इंटरेस्ट था थोड़ा बहुत इन चीजों में, मैंने सोचा कि मुझे भी बनाना चाहिए और बस मैंने भी बना लिया अपना YouTube चैनल और फिर देख लो बस अब जहाँ पे भी मैं हूँ। इफ YouTube हैव एनी प्रॉब्लम विद द नेम ऑफ योर चैनल देन व्हाट विल बी योर चैनल नेम। मेरे चैनल का नाम पता नहीं यार क्या होता, क्योंकि मेरा अगर आप लोग मुझे बहुत पहले देखा होगा अगर आप में से किसी ने, तो मैंने अपने चैनल का बहुत ही अलग रख रखा था, मतलब उस टाइम पे इतना कुछ पता नहीं था मुझे, शायद मेरे 100 भी सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे उस टाइम पे। मेरे चैनल का नाम था फुल ऑफ फनी, मतलब अजीब। अब अगर मैं सोची तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने अपने चैनल का नाम अपना समरीन अली लिख दिया, ताकि मुझे लोग मेरे नाम से जाने, मैं ये चाहती हूँ और यही हुआ, अच्छा हुआ। लेकिन पहले जो रख रखा था मैंने वो था फुल ऑफ फनी, क्योंकि बिल्कुल मैच भी नहीं होता था। उसके अलावा मुझे अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, बहुत टाइम लगेगा मुझे सोचने में, क्योंकि मेरे सारे जितने भी चैनल है सबका नाम समरीन अली से शुरू होता है और आगे मैं कुछ भी लगा देती हूँ, जैसे कि व्लॉग हो गया, गेमिंग हो गया, शॉर्ट्स हो गया, कुछ भी हुआ। तो नज़मीन खान का कमेंट है, डर जो है मेरा बिगेस्ट फियर है वाटर, मतलब पानी से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है और हाइट से बहुत डर लगता है। ये दोनों चीजें मुझे बहुत ही, मतलब पानी में जैसे अगर मैं पूल में भी गई ना तो मुझे लगता है मैं डूब जाऊंगी, और ऐसा लगता है कि पहले बचपन में बारिश भी होती थी, मुझे लगता था कि बारिश हो रही है अब पता नहीं क्या होगा, डर लगता था। तो मतलब पानी से बहुत डर लगता है मुझे, बहुत बहुत ज्यादा, और हाइट से भी उतना ही लगता है कि अगर मैं कभी ऊंचे पे थोड़ा चलेगी तो मेरी सांस वांस बंद हो जाती है। बचपन में एक झूले पे बैठने के लिए गई तो तब मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना डर लगता है ऊंचे से, उसके बाद से मुझे पता चल गया कि नहीं, मैं अगर ऊपर थोड़ा भी जाती हूँ तो मेरी सांस वांस रुक जाती है, ऐसा कि कुछ होने लगा बिल्कुल। Have you ever cheated on a test? No, मेरे स्कूल में या कहीं भी मुझे चीटिंग करने को मिल नहीं पाती थी, और वैसे मैं करना भी नहीं चाहिए था वैसे तो मैंने नहीं किया। अंकिता मंडल का कमेंट है, दी आपको बंगाली लैंग्वेज आती है क्या? अगर आती है तो दो शब्द बोलिए ना, और ना भी आए तो, ना भी आए फिर भी गूगल से देख के बोलिए प्लीज, लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। लव यू टू अंकिता। तो चलो मुझे आती तो नहीं है बंगाली, लेकिन मैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए बोलना चाहूंगी। तो अंकिता मैं आपके लिए कहना चाहूंगी, आमी तुम्हारे भारवाशी। हिमांगी शिंदे का कमेंट है, आपका फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट कौन सा है? ब्लशर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है मेकअप प्रोडक्ट में, और ब्लशर जब भी लगाने का टाइम होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, और लूज पाउडर बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। मुझे लिपस्टिक पसंद है, ऑब्वियसली सबको होती है, तो ये चीजें पसंद है, और हाईलाइटर भी बहुत पसंद है मुझे। तो नेक्स्ट सवाल जो है वो मेरा ये है कि तुम शादीशुदा हो, तुमने छुपा कर रखा है, कब तक छुपाओगी, सच बोल। तो गाइज, अब इनके कमेंट के बाद मुझे लग रहा है मुझे ये बात अब और नहीं छुपानी चाहिए, तो मुझे बता देना चाहिए कि मैं शादीशुदा हूँ और मैंने ये बात आप सबसे छुपाकर भी रखी है। लेकिन मैं यार कब तक छुपाती, मुझे ये बताना तो पड़ेगा ही ना आप सबको कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। ये बात लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही है पता नहीं। मेरे पास ऐसे 100 कमेंट्स, मतलब 100 से भी ज्यादा, बहुत बहुत सारे सवाल है कि क्या तुम्हारी शादी हुई है, नहीं हुई है, तुम शादीशुदा लगती हो, बहुत सारे कमेंट्स है यार। लेकिन मैं बता दूं आपको, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं सिर्फ 18 की हूँ अभी। पता नहीं लोग मुझे ये बात क्यों बोलते हैं कि तुम शादीशुदा हो, पता नहीं क्यों बोलते, समझ नहीं आता। लेकिन मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई है, पता नहीं सबको मेरी शादी से क्या यार, इतनी जल्दी शादी करवा रहे हो मेरी, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, टेंशन फ्री रहो। अगर मेरी शादी होगी भी तो आपको तो पता चलेगा ही ना, मैं सबसे पहले तो बताऊंगी, तो बस कर दो प्लीज, और मैंने सच बोल दिया है। नेक्स्ट कमेंट है हमारा दीप ग्रेवाल का, योर फेवरेट वीडियो ऑन योर यूट्यूब चैनल एंड सिस्टर चैनल एंड योर फेवरेट मोमेंट इन स्कूल दैट यू कैन नेवर फॉरगेट। मेरी फेवरेट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है, अभी मैंने एक चैलेंज किया था अपना, आई ओपेंड अ शॉप इन माई ओन कार वाला, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था वो। और मेरी सिस्टर के चैनल का, तो मुझे उसके चैनल पे जो उसने सलोन वाला बनाया था, जो सलोन घर पे बनाया था ना, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था, वो पूरी वीडियो बहुत फनी थी। और फेवरेट मोमेंट मेरा स्कूल में ये था कि जब भी मेरा रिजल्ट का डे होता था ना, वो मेरा फेवरेट होता था बहुत ज्यादा, क्योंकि
क्योंकि मुझे पता होता था कि मैं फर्स्ट आने वाली हूँ अपने स्कूल में. बहुत खुशी होती थी पहले से ही, क्योंकि मुझे पता रहता था कि हाँ मैंने अच्छा पेपर दिया तो मैं ही हूँ जो मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे. वो बहुत ही वैसा लगता था कि हाँ मैं जा रही हूँ और मुझे अपना रिजल्ट भी मिलेगा, और वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता था. आप लोग सोचोगे मैं बहुत आराम से बोल रही हूँ और बिल्कुल वो हो रहा है मुझे, मतलब मैं इतनी तेज़ तो समझ लो कि बहुत दिनों से बोली भी नहीं, लेकिन आज मैं बोल रही हूँ. आप थोड़ा सा मैनेज करना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक अभी हो ही रही है और मेरी दवाई भी चली रही है, लेकिन मैं सोच रही थी कि वीडियो मिस ना हो बस कैसे भी, तो मैंने सोचा कि इतना तो बनाकर आप लोगों के लिए डाल ही सकती हूँ. तो इस वीडियो को प्यार ज़रूर दिखाना अपना, मैं मतलब मेरे लिए एक लाइक कर देना बस. वो मुझे लग गया कि आप लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ. जमील पटेल का कमेंट है, आपने अम्मी अब्बा को हज और उमरा करने के लिए कब लेकर जा रहे हो? तो मुजम्मिल बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने, और हम लोग भी जाना चाहते हैं. इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, तो अल्लाह जब हमें बुलाएंगे और जब अल्लाह को मंजूर होगा तब हम इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे और हज और उमरा ज़रूर करेंगे. अभित्री का कमेंट है, दी आप और स्वीटी दी कितना झगड़ते हो, क्योंकि बहनें तो सबकी लड़ती हैं पर आप लोग कितना झगड़ते हो, और घर के काम कौन ज़्यादा करते हैं? लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम नेपाल. हम लोग बहुत झगड़ते हैं, बहुत लड़ाई करते हैं. मुझे लगता था कि हम लोग ही लड़ते होंगे सिर्फ, लेकिन मुझे पता है कि सभी लोग लड़ते हैं बहुत ज़्यादा. छोटी छोटी बात भी हो जाती है तो हम लोग हमारी लड़ाई हो जाती है, कभी बाहर भी होती तो लड़ाई हो जाती है. लेकिन ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, पर हमारे साथ प्यार भी उतना ही है कि हम लोग प्यार भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से करते हैं. और घर का काम जो है वो ज़्यादा मैं करती हूँ, बहुत काम करती हूँ मैं वैसे भी अपने घर का बहुत सारा. वो कुछ भी नहीं करती है, वो ऐसे ही बैठी रहती है आराम से, और मतलब मुझे ऑर्डर देती है, क्योंकि छोटी होने का वो हो जाता है ना कि आपको सारा काम करना पड़ता है. आपसे जो बड़ा है वो आपसे बहुत काम करवाता है. तो यही मेरे साथ है. आप में से जो भी छोटे छोटे मतलब भाई बहन है मेरी तरह जो छोटे हैं, उनके साथ होता होगा, उनको पता होगा, तो वो दर्द फील कर सकते हैं मेरा कि मुझे कितना काम करवाया जाता है कि ये लेकर आओ, पानी लेकर आओ. क्रेजी गर्ल का कमेंट है, आप अपने पापा को कब रिवील करेंगे? रिवील पापा को क्या रिवील करना यार मेरे पापा रिवील हो चुके हैं सबके साथ ही, मतलब जैसे अम्मी भी रिवील थी तो पापा भी रिवील ही है. पापा को सबने देख रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो यहाँ पे, लेकिन पापा को सब लोग जानते हैं वैसे, शायद आपने नहीं देखा होगा. आमानी भंडारी का कमेंट है, आप कोरिया क्यों नहीं जाती हो? प्लीज यार मैं कोरिया कैसे जाऊँ ये बताओ, मुझे वी लेने ही नहीं आ रहा, यहाँ पे इंडिया ही नहीं आ रहा वी लेने के लिए. मैंने उसको बोला भी था कि आओ लेने के लिए, पता नहीं अपने काम में थोड़ा बिजी चल रहा है ना आजकल, तो जब वो लेने के लिए आएगा तो आपको कोरिया के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे उसके साथ के, मैं और वो दोनों घूमेंगे ना वहाँ, तब आपको देखने को मिलेगा. सरस्वती यादव का कमेंट है, कहीं बाहर जाते हो तो दोनों बहन एक दिन में कितना खर्चा करते हो? तो हम लोग खर्चा जो है वो ऐसे करते हैं कि जब हम लोग बाहर जाते हैं तो ज्यादा बाहर जो हम लोग जाते हैं सिर्फ शूट के लिए जाते हैं, तो जो खर्चा हमें शूट में होता है वो ही लगता है. अगर बीच में हमें कुछ और पसंद आ गया शॉपिंग का तो हम शॉपिंग कर लेते, तो उसमें खर्चा होता है. खाने पीने में और कुछ खर्चा होता है, और वैसे कभी हम लोग अगर सिर्फ शॉपिंग के लिए गए तब अच्छा खासा खर्चा करके आते हैं. मैं अपना अलग करके आती हूँ बहुत सारा, वो अपना अलग करके आती है. कभी कभी होता है हमारा ऐसा शॉपिंग डे कि मतलब हम चिल कर रहे हैं आराम से फ्री हैं तब करते हैं हम खुल के शॉपिंग, क्योंकि बीच में शूट भी करो और शॉपिंग भी करो ये चीज़ नहीं हो पाती है. तो मैं भी ये सोच के रखती हूँ कि जब एक दिन फ्री होगा तब आराम से शॉपिंग करेंगे सिर्फ. सिमरन शुक्ला फन लाइफ का कमेंट है, जब आपको व्यूज नहीं मिलते थे आप क्या करती थी? मैं सैड हो जाया करती थी पहले तो, व्यूज नहीं है, व्यूज नहीं आ रहे हैं, क्या होगा क्या होगा, कोई देखता ही नहीं है मुझे. लेकिन फिर मैं सोचती थी कि कोई बात नहीं यार, मुझे उम्मीद रखनी पड़ेगी. मैं बहुत दुआ करती थी कि अल्लाह प्लीज़ वीडियो चल जाए मेरी, प्लीज़ चल जाए वीडियो चल जाए, कोई देख ले. तो फिर बस दुआ मेरी कबूल होने लगी, तो बस मेरी दुआ कबूल होने लगी और माशाल्लाह से फिर मुझे प्यार मिलने लगा आप लोगों का. अभी भी ऐसा होता है कई बार कि व्यूज़ नहीं आते हैं या कुछ भी डाउन हो गया, तो मैं सोचती हूँ कि यार फिर से ऐसा हो गया, अब क्या होगा, अब चलेगा या नहीं चलेगा, अब ऊपर आएगा या नहीं आएगा, कोई देखेगा या नहीं. तो फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ये भी एक लाइफ का फेज है जो कि आपको देखना पड़ेगा. कभी आप यहाँ आओगे, कभी आप यहाँ, फिर कभी आप यहाँ भी आ सकते हो. तो ये मुझे देखना पड़ेगा सारा कुछ, और मुझे डील करना सीखना पड़ेगा कि कैसे किस चीज़ को करना है. तो बस मैं उस चीज़ को भी मतलब अच्छे से डील करती हूँ. और मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है कि आप लोगों को पता होगा कि मैं सबसे ज़्यादा कॉमेडी वीडियोज़ ही बनाया करती थी, चैलेंजेस वीक में एक ही आते थे. अब ये हो गया कि आप लोगों को कॉमेडी वीडियोस इतनी ज्यादा नहीं पसंद है. कुछ लोगों को बहुत पसंद है अभी भी, लेकिन कुछ लोगों को जो है पसंद नहीं है, तो वो देखना नहीं चाहते, वो देखना चाहते हैं चैलेंजेस जो मैं बनाती हूँ. लेकिन जैसे कि आपको पता होगा कि मुझे एक सैटरडे मिस करना भी नहीं अच्छा लगता था पहले, कि मैं सिर्फ कॉमेडी वीडियो ही डालूंगी जो
क्योंकि मुझे अपना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है शूट करने में। बहुत मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस वीडियो को भी बहुत ज्यादा पसंद करो, ताकि मुझे और वो आए कि मैं बनाया करूँ, क्योंकि मैं बनाती हूँ जब वो तो आप देखते ही नहीं हो, तो फिर मैं सोचती हूँ कि यार मैं किसके लिए बना रही हूँ जब आपने देखा ही नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखो और उसको प्यार दो, ताकि मैं और वैसी वीडियोज बनाया करूँ। अमन्स वंडर वर्ल्ड का कमेंट है, व्हाई डिड यू स्टॉप मेकिंग वीडियोज विद माय मिस आनंद। ओके, तो आपको लग रहा है कि हम लोगों ने वीडियो रोक दी है साथ में बनाना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम बहुत टाइम से मिल नहीं रहे हैं, हम बहुत ही जल्दी प्लान कर रहे हैं मिलने का, तो बस जैसे ही प्लान होता है आपको भी हम साथ में दिखेंगे। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि हम साथ में कोई कोलैब वीडियो बनाएं और बहुत ही मजेदार चैलेंज करें कोई साथ, तो जल्दी कमेंट में बता दो। कमेंट में जल्दी से लिख दो कि अनंती और समरीन की साथ की वीडियो चाहिए। साहिल सैफी का क्वेश्चन है, दी बस एक ही डिमांड है आपसे, मुझे आपकी फेस्टिवल की वीडियो बहुत पसंद है, आपकी बार रमजान की वीडियो एंड बहुत सारे व्लॉग लाना, प्लीज रिप्लाई। ओके साहिल, थैंक यू सो मच पहले तो, और मैं जरूर बनाऊंगी इंशाल्लाह। रमजान में तो मैं व्लॉग्स बनाती हूँ वैसे, लेकिन इस बार और बनाऊंगी क्योंकि आपने कहा है, और रमजान स्पेशल वीडियो भी आएगी बहुत जल्दी इंशाल्लाह। शाहिद अली का कमेंट है, व्हाट इज योर एज, आप दिल्ली में कहाँ रहते हो, माय मिस आनंद, और आपकी फ्रेंडशिप कैसे हुई, और आप मुझे Q&A में मेरा नाम लेकर ही क्वेश्चंस का रिप्लाई देना, माय नेम इज जोया अली। हाय जोया, मैं दिल्ली में रहती हूँ, और अनंत्या से मेरी फ्रेंडशिप कैसे हुई थी, वो हम किसी एक इवेंट में गए थे, वहाँ हम मिले थे, उसके बाद समझ लो हमारी फ्रेंडशिप को बहुत साल हो गए अब, तो तब हम वहाँ पे मिले थे, हम दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन एक दूसरे के पास आने से बहुत ज्यादा शाय फील कर रहे थे कि कौन जाएगा पहले, लेकिन हम फिर हमारी बात हुई और फिर हमने बहुत मस्ती की पूरी रात, क्योंकि इवेंट हो गया था, उसके बाद हम पूरी रात बहुत मस्ती कर रहे थे, फिर हम 3 दिन तक साथ रहे थे वहाँ पर, और फिर क्योंकि हम दिल्ली से साथ ही गए थे मुंबई, तो मुंबई में हमने बहुत मस्ती की, और उसके बाद हम यहाँ दिल्ली आ गए, उसके बाद हम अलग से मिलने लगे, और फिर बहुत बार मिलने लगे, और फिर कोलैब्स होने लगे हमारे, तो फिर हम बहुत मस्ती करते थे, और इतना अच्छा बॉन्ड हो गया हमारा कि मतलब जब भी हम मिलते हैं तो हमें बहुत मजा आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, रियल एज बताओ, मतलब बताओ मेरी रियल एज पूछ रहे हैं ये। मेरी रियल एज जो है वो मैं आपको बता दूं खुल के कि मेरी रियल एज है 80, जो कि आप सुनना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, अब मैं इससे ज्यादा सच नहीं बोल सकती थी, अब मैंने आपको अपना जिंदगी का हर एक बड़ा सच बता दिया है, मैं शादीशुदा नहीं हूं और मेरी एज में, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ कि 80 ही है, तो अब क्या कर सकते हैं यार, मेरी उम्र हो चुकी है, क्योंकि मैं आप सबसे, आप लोग जितने मुझे देख रहे हैं ना, आप सबसे बहुत सालों पहले पैदा हुई थी, बस पैदा होने के बाद आप में से किसी को मैं दिखी नहीं, एक जगह बैठी रही तो मेरी ग्रोथ नहीं हुई, तो अब मेरी ग्रोथ हो रही है, और आपको देखने में भी लगता ही होगा क्या कोई कहता शादीशुदा हो, सब कुछ हो, तो मैं हूँ 80 साल की हूँ, मैं बुढ़िया हूँ बिल्कुल, पता नहीं लोग मुझे इतना बड़ा क्यों समझते हैं और मेरी रियल एज इतना पूछते हैं, लेकिन मैंने जबकि सबको बता रखा है, अपना 18th बर्थडे सेलिब्रेट कर रखा सबके सामने, 18 का बड़ा नंबर वाला लगवाया था बर्थडे का बर्थडे के डेकोरेशन में कि सबको दिखे हाँ मैं 18 की हुई हूँ, लेकिन नहीं, सबको वो जो एज है ना 18 उसको उल्टा करके देखना ज्यादा अच्छा लगता है, 81। चलो मजाक को हम साइड करते हैं, तो मैं आपको सच बता दूं कि मेरी एज है 18 और अब मैं 19 की होने वाली हूँ। तो बस गाइज, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं आ गई थी, मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए कि मेरी एज क्या है, मेरी शादी हुई है या नहीं, सारा कुछ क्लियर हो चुका है आज, और बस यहीं पर खत्म होता है मेरा ये सवाल जवाब की वीडियो, और आप लोग प्यार दिखाते रहो बस मेरी वीडियो पे, और इस वाली वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिखाना, और मैं जल्दी मिलूंगी आपको एक बहुत अच्छी चैलेंज वीडियो के साथ, अभी तो यहाँ पे बैठी बैठी हूँ मैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जल्दी जल्दी आप लोग प्रे करो कि मैं बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाऊँ, ताकि अच्छी वीडियो लेकर आ जाऊँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, लाइक जरूर करके जाना, एक लाइक आपका जो है वो मेरे लिए ब्लेसिंग होगी, और एक आपके लाइक से ना मैं जल्दी ठीक होऊंगी, मतलब जब मैं देखूंगी आपने वीडियो को लाइक किया बहुत सारा प्यार दिया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊंगी, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो, आपको आईडी नंबर दिख रही होगी, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।